हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल रोज फ्लावर लटकन जो डबल लेयर होगी। तो इसके लिए हम यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ दो कलर में कपड़े लिए हैं। आप चाहे आपकी पसंद का कोई सा भी कलर यहाँ पर रख सकते हैं। इसकी लंबाई है 4.5 इंच और चौड़ाई भी 4.5 इंच। दोनों कपड़ों की लंबाई और चौड़ाई हम एक जैसे लेंगे। इसके बाद हमें यह इस शेप में इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ऐसे ही हम दूसरे कपड़े को भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हमें इन्हें सीधा ही फोल्ड करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फोल्ड करने के बाद हम उन्हें एक के ऊपर एक प्लेस कर देंगे। जो कलर हमें हमारे फ्लावर में ऊपर की साइड चाहिए उसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और जो अंदर की साइड कलर चाहिए उसे बाहर की साइड रखे जाके, ताकि हम जब इन्हें पलटें तो आपने जो कलर अंदर रखा होगा वो बाहर की साइड आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ डोरी लेनी है। मैं यहाँ रेडीमेड डोरी यूज़ करी हूँ। आप चाहे तो डोरी बनाकर भी यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद ये डोरी जो है हमें सेंटर में प्लेस करनी है। देखिए, इस तरह से हम इस डोरी को सेंटर में रख देंगे और एक तरफ से कोना उठाकर कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद ऐसे ही हमें दूसरी साइड से भी इसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और जो डोरी का आगे का भाग है वहाँ कम से कम आधा आधा इंच के गेप होनी चाहिए जो फ्लावर के टॉप पर है। इसके बाद हम यहाँ कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों कोनों पर हमें बस सीधी सिलाई लगा लेनी है। आप अच्छे से यहाँ इसको अटैच कर लीजिए। देखिए, हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। कॉर्नर पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे नीचे से ऐसे पकड़ते हुए फोल्ड करना है। इसके बाद हमें इसे नीचे से फोल्ड कर एक धागे की सहायता से इसको अच्छे से टाइटली बांध लेंगे। हमें इसे अच्छे से बांध लेंगे ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा है उसे काट कर अलग कर देंगे, हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इसे आप आसानी से रोज फ्लावर लटकन जो है अपने ब्लाउज, सूट और लहंगे के लिए बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे। हम अच्छे से इसके सारे कॉर्नर को पलट लेंगे। देखिए, कितनी आसानी से रोज फ्लावर लटकन बनकर तैयार हो गई है। बस हमें इसे अच्छे से पलट लेना है और इसे सेट कर लेना है। ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब बिना सिलाई मशीन के भी इसको बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके पास सिलाई मशीन नहीं होती है तो इस फ्लावर को आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हम ऐसे ही 4.5 इंच का दो कपड़े लेंगे और इन्हें फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ सेंटर में इस तरह से डोरी को प्लेस करना है और हमें दोनों कॉर्नर को पकड़ कर इस तरह से फोल्ड कर देंगे ना। ऊपर के भाग में हम आधे इंच के बाद हम नीचे वाले कॉर्नर को ऐसे पकड़ते हुए सुई की सहायता से ऐसे इसमें टांके लगा लेंगे। बहुत ही आसानी से आप सुई से भी इसको सिल सकते हैं। बस हमें इसमें छोटे छोटे टांके लगाने हैं। ऐसे ही हम इसमें सुई से टांके लगा लेंगे। आप बिना सिलाई मशीन के भी इस रोज फ्लावर को आसानी से बना सकते हैं। देखिए, हमने यह सुई से टांके लगा लिए हैं।
इसके बाद हम जो धागा है उसको पकड़कर इस तरह से खींचेंगे। खींचने पर देखिए फ्लावर का शेप बनेगा। इसको खींचकर हम ऐसे ही फोल्ड कर इसको अच्छे से बांध देंगे। अब अच्छे से इसमें अटैच कर दीजिए इसे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर अलग कर देंगे। और अब हम इसे पलट लेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब।